हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। आप में से ही हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है, सर राउटर का पासवर्ड बहुत पहले चेंज किया था और अब याद नहीं है, कैसे रीसेट या कनेक्ट करूँ, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास राउटर है और फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो और आप लोगों ने अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड कभी चेंज किया हो और अब आप लोगों को अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड याद ना हो, तो आप लोग अपने राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे अपने राउटर को रीसेट कर सकते हैं और फिर आप लोग अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ही देखिए, राउटर को रीसेट करने के लिए मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ टिंडर राउटर का। हमारे पास यहाँ पर दो नेटवर्क फिलहाल अवेलेबल है, एक नेटवर्क का नाम है UKD और ये जो नेटवर्क है UKD ये टिंडर राउटर का नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क है नो प्लीज़, ये जो राउटर है ये TP लिंक का राउटर है। तो हम लोगों ने UKD वाले राउटर को रीसेट करना है तो मैं यहाँ पर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारे पास राउटर है, इस राउटर को हम लोगों ने रीसेट करना है। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मैं इसका वाईफाई का पासवर्ड भी भूल गया हूँ। अगर मैं यहाँ पर से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है ये मेरे से, तो मैं यहाँ पर से इसके वाईफाई का पासवर्ड भी भूल गया हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने वाईफाई का पासवर्ड भूल गए हैं, आप लोग अपने राउटर को रीसेट करना चाहते हैं और राउटर का पासवर्ड भी भूल गए हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर से आइए अपने राउटर पे और आप लोगों को अपने राउटर को कनेक्ट कर लेना है। अपने राउटर को कनेक्ट करने के बाद आपके राउटर में यहाँ पर ही देखिए कुछ ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बटन मिलता है, आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा RST रीसेट या फिर WPS। जो भी आप लोगों को यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है आप लोगों के राउटर पर यहाँ पर बटन हो या फिर आप लोगों के राउटर पर यहाँ पर होल हो जहाँ पर से रीसेट बटन काम करता है। और आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटी सी पिन ले लेनी है, अगर आप लोगों के उसमें होल हो बटन ना हो तो उस पिन को आप लोगों ने यहाँ पर से इसमें इंसर्ट करना है और तब तक का प्रेस करना है जब तक का आप लोगों की ये सारी की सारी जो लाइटें हैं वो जलने लग जाएँ। तो मेरे उसमें यहाँ पर ये बटन है तो मैं क्या करता हूँ, राउटर को रीसेट करने के लिए इस बटन को कुछ देर तक का प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर से बटन प्रेस करता हूँ और देखते हैं हमारे उसमें जब तक ये सारी की सारी जो लाइटें हैं वो जलने लग जाएं। जैसे ही ये सारी की सारी लाइटें जलने लग जाएगी तो हमारा जो राउटर है वो रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी WPS वाला जो बटन है वो ग्लो कर रहा है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसेट करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना राउटर जो है वो रीसेट कर लिया है, अब यहाँ पर से राउटर रीसेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर से सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और उसके बाद हम लोग जाते हैं, इसको हम लोग रख देते हैं ऐसे ही और हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पर ये देखिए हम लोगों का जो राउटर है वो सक्सेसफुली रीसेट हो गया है और यहाँ पर से इसका जो वाईफाई का नाम था वो भी चेंज हो गया, जो इसका डिफ़ॉल्ट नाम था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब आप लोगों को अगर अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है या फिर उसमें लॉगिन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने राउटर से कनेक्ट होना होगा। तो आप लोग यहाँ पर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग के उसमें वाईफाई नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप लोग केबल से भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी जो इथरनेट केबल होती है उससे कनेक्ट कर लीजिए। मेरे उसमें यहाँ पर ये वाईफाई नेटवर्क आ रहा है तो मैं यहाँ पर से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग इससे कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल हैं तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाइए, कंप्यूटर लैपटॉप है तो कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट हो जाइए। और अगर आप लोगों से ये पासवर्ड पूछेगा तो आप लोगों का जो राउटर का पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग उससे पासवर्ड डाल के उसमें कनेक्ट हो जाइए। तो जैसे आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग पहले वाले नेटवर्क से थे, नो प्लीज़ वाले नेटवर्क से थे, तो हमारा जो राउटर का IP था वो ये वाला था 192.168.0.1। अगर हम लोग उस नेटवर्क से कनेक्ट थे तो ये TP लिंक का जो राउटर है वो खुल रहा था, उसका होम पेज खुल रहा था। अब हम लोग यहाँ पर से टिंडा वाले से कनेक्ट हो गए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर से 192.168.0.1 खोलता हूँ तो यहाँ पर से हम लोगों को टिंडा का जो है वो दिख जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर से अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डायनेमिक IP लेना चाहते हैं तो डायनेमिक IP पे क्लिक कर लीजिए, स्टैटिक IP अगर आप लोगों ने ले रखी है तो आप लोग अपने स्टैटिक IP ले लीजिए। और यहाँ पर फिर आप लोगों को अपने वाईफाई का नाम जो है उसको डालना होगा और फिर वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा। तो मैं यहाँ पर से वाईफाई का नाम जैसे डाल देता हूँ सुंदर, मैंने यहाँ पर से सुंदर डाल दिया। वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग 8765 4321 और उसके बाद मैं यहाँ पर से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर ये नाम जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर से हम लोग इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर से हम लोगों ने ये टिंडा और ये नंबर की जगह हम लोगों ने इसका नाम सुंदर रख दिया है। तो यहाँ पर से आप लोग ये अब ये सुंदर को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर से इसे डायरेक्ट इसने कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर से एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर से ये कनेक्ट जो है वो हो गया है। अब दूसरे डिवाइस में अगर आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों से पासवर्ड पूछेगा, तो जो भी आप लोगों ने वाईफाई का पासवर्ड डाला था वो आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। अब हम लोग यहाँ पर से दोबारा से इसमें 192.168.0.1 खोलते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर से आप लोगों का जो राउटर है उसकी सेटिंग जो है वो खुल गई है, तो आप लोग यहाँ पर से अब अपने राउटर को मैनेज कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग इसमें मैनेज करना चाहते हैं वो मैनेज कर सकते हैं। हमारे राउटर में यहाँ पर से अभी कोई भी इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों ने उसको नहीं दिया है, तो यहाँ पर ही हमसे बोल रहा है व्हेन पोर्ट अनप्लग्ड प्लीज़ प्लग द इंटरनेट केबल इन टू इट। तो आप लोगों से ये मतलब मेरे से ये बोल रहा है कि इंटरनेट केबल इसमें लगाओ तभी इसमें इंटरनेट चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा करके आप लोग आसानी से अपने राउटर को रीसेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के राउटर से संबंधित कोई सवाल है तो जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक कर इस वेब पेज पर आ जाइए और यहाँ पर आप लोगों को राउटर से संबंधित वाईफाई से संबंधित बहुत सारे आप लोगों को आर्टिकल मिल जाएंगे, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को 2000 के अंडर आप लोगों को कौन सा राउटर मिल जाएगा अच्छा, या फिर 1000 के अंदर आप लोगों को कौन सा राउटर अच्छा मिल जाएगा, या फिर आप लोग अपने वाईफाई का पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं, और भी यहाँ पर आप लोगों को वाईफाई और राउटर से संबंधित जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल है राउटर या फिर वाईफाई से संबंधित वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बगल में बनी घंटी को जरूर दबाना है और नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर देना है। इससे होता यह है कि जितने भी हम वीडियो डालते हैं हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।